हे गाइस, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग रिव्यू। सो तुम लोगों को ना रीचर का रिएक्शन और रिव्यू चाहिए था, तो सबसे पहले मैं अपना रिएक्शन बताता हूँ कि मैंने बिल्कुल भी इतना सा भी इमेजिन नहीं किया था कि ये सीरीज इतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। क्योंकि ये जैक रीचर जो सीरीज है, उनकी जो बुक्स आती थी उसकी पहली बुक पे बेस्ड है, जिसका नाम है किलिंग फ्लोर। और मैं इसी चीज को लेके ना थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गया था, क्योंकि इस बार एलन रिचसन ने कैरेक्टर निभाया जैक रीचर का। और हम जब भी कभी भी जैक रीचर के बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ एक कैरेक्टर दिखता है और वो है टॉम क्रूज, क्योंकि हमने उनकी सारी पुरानी मूवीज देखी हुई है। पर अगर ऑनेस्टली दिल से बोलूं तो यार, एलन रिचसन का जो एक कैरेक्टर और एक परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज्यादा सॉलिड और इतनी कन्विंसिंग थी, और उनकी जो एक बॉडी लैंग्वेज भी थी वो हमारे जो ओरिजिनल जैक रीचर बुक का कैरेक्टर है उससे बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है। मुझे याद है जब मैंने किलिंग फ्लोर पढ़ी थी तो वो एक्चुअली जैक रीचर की जो अलग अलग बुक्स हैं उसमें सबसे वॉयलेंट बुक्स में से एक है। और ये जो बुक है उसको इस सीरीज ने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो अप किया है। इसमें जैक रीचर के बैकग्राउंड पे भी एक बहुत अच्छा सा लाइट दी गई है। और इसमें जो ओवरऑल एक जैक रीचर का एक कैरेक्टर है, वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो एक्चुअली ट्रबल कभी सीक नहीं करता है, वो सिर्फ जस्टिस को ही फॉलो अप करता है। और ये एक्चुअली जैक रीचर के ओरिजिनल कैरेक्टर की तरह ही था जो कि बुक्स में हमें देखने को मिलता था। बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इस कैरेक्टर का ना पोर्ट्रेयल दिखाया गया इस सीरीज में, क्योंकि वो एक एनालिटिकल माइंड के साथ साथ एक किलिंग मशीन भी है। तो दोनों के पर्सपेक्टिव्स को साथ में दिखाना और सीरीज में हमें कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाना, वो बहुत अच्छी चीज थी इस सीरीज में। क्योंकि रीचर का जो एक ओवरऑल प्लॉट है वो एक्शन से ज्यादा ना मिस्ट्री और डिटेक्टिवनेस जो होती है ना वो ज्यादा फॉलो करता है ओरिजिनली। तो इसमें भी तुम्हें बहुत सारी मिस्ट्री, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, फनी भी है सीरीज। ये सारी चीजें मिला के ना सीरीज बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग बन जाती है। और इसी एंटरटेनमेंट के साथ बहुत सारा एक्शन और बहुत सारे फाइट सीन्स, और बहुत ही ज्यादा हड्डियां तोड़ी है हमारे हीरो ने इस सीरीज में। तो ये देख के तो ओवरऑल एंटरटेन तो हुआ ही हूं मैं। रीचर के अलावा भी बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट थी इस सीरीज में, जैसे कि ग्रॉस्को का कैरेक्टर था, वो भी मुझे काफी ज्यादा दमदार लगा। और एक और सबसे बड़े सरप्राइज की बात है कि जितने भी शोज आजकल बन रहे हैं वो एक्चुअली प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा फेल कर जाते हैं, पर इस सीरीज में वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई है। VFX के मामले में भी नहीं, एडिटिंग सब इसका एकदम परफेक्ट था, इनफैक्ट कलर ग्रेडिंग भी इसकी बहुत सुंदर थी। तो तुम इसके प्रोडक्शन में तो बहुत ही मुश्किल से फ्लॉज निकाल पाओगे, बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें थी, और इनफैक्ट बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं जो कि इस शो में तुम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सीरीज बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग तो है ही। इनफैक्ट ये जो एक पूरी जो ओवरऑल स्टोरी है उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स को हमें दिखाने की कोशिश नहीं करती है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें चलती रहती हैं और पूरे मिस्ट्री और उसी के थ्रू सब क्रिएट होता है। लोकेशन और स्क्रीन प्ले भी इसका एकदम स्पॉट ऑन है, एकदम उसके स्टोरी और उसके एसेंस के साथ बहुत अच्छी लोकेशन मैच कर रही थी, और इसका डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा रिमार्केबल है। ओवरऑल जो सीरीज है वो अपने बेसिस को ना बहुत अच्छी तरीके से टच करती है, और जो इसकी पूरी ओवरऑल पेसिंग है वो ज्यादा फास्ट भी नहीं है, ज्यादा स्लो भी नहीं है, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट स्पीड पे चलती है, जिसको देख के तुम्हें भी मजा आएगा। प्रॉपर टाइम पे डार्क और डीप फ्लैशबैक्स भी तुम्हें देखने को मिलेंगे सीरीज में, जो कि मेरे ओपिनियन में इस स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि उसी की वजह से हमें उसकी एक पूरी बैक स्टोरी देखने को मिलती है और समझ में आता है कि जो जैक रीचर का कैरेक्टर है वो अपने बचपन के एलिमेंट्स की वजह से कैसे आज जी रहा है। फाइट सीन्स तो वैसे ही बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, इतने ज्यादा कन्विंसिंग है और इतना एंटरटेनिंग है, तुम्हें देख के तो मजा ही आ जाएगा। इतना फोड़ा है ना इस हीरो ने इस सीरीज में, मजा ही आ गया। स्टोरी इसकी कॉम्प्लेक्स है बट वो इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी चलती रहती है कि उसकी वजह से तुम्हें एक रियलिस्टिक फ्लेवर देखने को मिलता है इस सीरीज में। बस मैं इसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूर देना चाहूंगा कि इसके जितने भी विलन्स थे वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश और बहुत ही ज्यादा कार्टूनिश थे। रिडिक्युलसली उनका जो एक्सपोजिशन था कि वो अपने प्लान को कैसे हीरो को समझा रहे हैं जब हीरो बंधा हुआ है या ऐसा कोई कैरेक्टर है, वो देख के थोड़ा सा मजा नहीं आया। वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश लग रहा था, ऐसे देख के लग रहा था मैं कोई बहुत ही पुरानी जेम्स बॉन्ड की मूवी देख रहा हूँ जिसमें विलन खुद ही अपना प्लान बता देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बहुत ही माइनर डिटेल्स है जिसपे उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, पर उसके अलावा देखा जाए तो सीरीज बहुत ही हाई क्लास है और तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। और मैं सीरीज को रेट कर रहा हूँ 8.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो यार, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो तुम जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है आकाश और मैं बहुत सारे मूवीज और टीवी रिव्यूज बनाता हूँ। सो यार, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।